गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद भारमल। और कंप्यूटर फंडामेंटल में हार्ड डिस्क का जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो थोड़ा कंप्लीट किया था, उसे थोड़ा हम थोड़ा डिटेल में आज का हम देखेंगे, है ना। मतलब कि इंटरनली हार्ड डिस्क की जो पूरी स्टोरेज मैकेनिज्म होती है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से एक दूसरी इमेज यहाँ पर दी हुई है। प्रीवियसली तो मैंने एक वीडियो में एक छोटी सी ग्लिम्स वीडियो यहाँ पर ऐड की थी। वो वीडियो मेरा नहीं, खुद का है, किसी और का है। मैंने उस वीडियो में भी कहा था, आप उस वीडियो को विजिट करके आप पूरा वीडियो देख लेना, अच्छा है, काफ़ी मुझे पसंद आया था। कंसेप्चुअल है, आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट नए जो आपका डाउट्स होंगे वो काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहले तो प्लेटर्स और आर्म दो चीज़ यहाँ पे समझा दी है। तो यहाँ पे प्लेटर्स मतलब कि ये जो काइंड ऑफ ग्लास यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन, और वहाँ पे एक बंदा है जो पिक्चर कैप्चर कर रहा है ना, वो यहाँ पे दिख रहा है। एकदम क्लीन प्लेट्स होती है। अब ये यहाँ पे जो दिक्कत है वो क्या है कि जब भी आप इसको ओपन करते हो तो वापिस इसे आप पैक भी कर दोगे ना तो हार्ड डिस्क चलेगी नहीं, ये फैक्ट है। क्योंकि ये वैक्यूम्ड पूरी की पूरी हार्ड डिस्क होती है, एयर सील्ड होती है। उसके स्पेशल रूम्स आते हैं, वहाँ पे जाके आपको विदाउट एनी लाइट्स उसकी यूवी लाइट्स जो पूजी होती है उसमें यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क को ओपन करके जो कुछ भी रिपेयरिंग करवाना है आप वो करवाना पड़ता है ना। मतलब कि एक बार हार्ड डिस्क ख़राब हो गई, सर्किट लेवल पे तो रिपेयर होगी, इंटरनल लेवल पे प्लेट्स ख़राब हो गई तो आपको उसको फेंकना ही पड़ेगा। आपने कहीं नाम सुना होगा बैड सेक्टर्स। बैड सेक्टर मतलब कि बिगड़ा हुआ पोर्शन ऑफ द हार्ड डिस्क जो आगे आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। करप्टेड पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क मतलब कि करप्टेड पार्ट ऑफ द प्लेट्स। यहाँ पे हेड भी दिखेगा, स्पिंडल मोटर भी दिखेगी, प्लेट्स भी दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे प्लेटर और आर्म दो चीज़ बताई है। और जनरली जो प्लेट्स कंटिन्यूसली जो घूमती है दैट इज रेंज फ्रॉम 3600 टू 15000 आरपीएम। अब ये जो 3600 आरपीएम है वो काफ़ी पुरानी जो हार्ड डिस्क, पहले जब हार्ड डिस्क बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट था फॉर एज एन स्टोरेज डिवाइस, तब की हम बात कर रहे हैं। और आज की जो जनरल सभी हार्ड डिस्क आती है दैट वर्क्स एट एन 15000 आरपीएम, है ना। तो अब आर्म जो है यहाँ पे एक लिखा हुआ है लास्ट में 50 टाइम्स पर सेकंड, है ना। मतलब कि एज टू एज, मतलब कि अभी यहाँ पे एज पे पूरा हेड है, ठीक है, वो वापिस सबसे इनर मोस्ट एरिया में जाएगा प्लेट्स के और वापिस एज पे आएगा, है ना। वो टोटल 50 टाइम्स वो मूव करता है मैक्सिमम स्पीड पर सेकंड। मतलब कि आपको नॉर्मल आइज से वो दिखेगा नहीं जिस तेज़ी से वो मूव करता है, नॉर्मल आइज से वो नहीं दिखेगा। अगर वो देखना है तो उसके लिए वो हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे प्लेट्स और साइड एंगल से दिखिए, वो था अपर लेफ्ट साइड, अब ये लोअर साइड है। तो मान लो कि एक प्लेट पे तो लिमिटेड सॉर्ट ऑफ द डेटा स्टोर होता है, है ना। तो यहाँ पे तीन प्लेट्स रखकर दिखाई है ना, आपको साइड व्यू दिखेगा और तीन प्लेट्स के यहाँ पे तीन आपको हेड भी दिखेंगे साइड एंगल पे। फर्स्ट फिगर है उसमें तीन प्लेट्स क्लियरली दिख रही है और जो सेकंड इमेज है उसमें तीन हेड क्लियरली आपको दिखेंगे फॉर एन ईच, जितनी प्लेट्स है उतने आपको हेड क्लीनली दिखेंगे। तो इस तरह से हमारा जो कुछ भी हेड का जो मूवमेंट है वो आपको अंदाजा आगे होगा कैसे वर्कआउट करता है। नेक्स्ट में यहाँ पे जो मस्ट सी वीडियो है ना वो मैं बात कर रहा था अभी, जो फ्यू सेकंड्स अगो मैंने एक बात की कि हेड इतनी तेज़ी से आगे पीछे मूव होता है कि आपको नॉर्मलाइज से वो नहीं दिखता है। तो उसका यहाँ पे स्लो मोशन वीडियो है, एक यूट्यूब चैनल है जो हर चीज़ का एक्सट्रीम स्लो मोशन वीडियो बनाता है हर चीज़ का। मैं उस चैनल का फैन हूँ, काफ़ी सालों से उसे मैं फॉलो करता हूँ। कि फॉर एग्जांपल वो कोई भी आप चीज़ मान लो कि आप जब चेयर पे बैठते हो तो कितनी इंटरनली जो चीज़ होती है वो सब मतलब कि फ्लाई स्लो चीज़ पे जाती है, मक्खी कहीं भी। अगर आप मेस्टिक पे आग लगाते हो तो स्लो मोशन में वो कैसे जलती है, हर चीज़ का वो स्लो मोशन वीडियो बनाता है, एक्सट्रीम स्लो मोशन। थोड़ा बहुत स्लो मोशन नहीं, हमारे मोबाइल में जो होता है स्लो मोशन, हमें उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक एक फ्रेम आप क्लीनली देख पाओगे,
तो यहाँ पे वीडियो की वो लिंक दी हुई है, आप एक बार उसे विजिट कर लेना, है ना। तो अब यहाँ पे जो आता है दैट इज इन प्लेट्स, प्लेट्स को और डिटेल में हमें समझना है। जो हार्ड डिस्क पे जो यहाँ पे जो प्लेट्स दिख रही है ये वाले अपर पार्ट, वो यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे दिया है। तो प्लेट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है दैट डिस्ट्रीब्यूट्स इन द ट्रैक्स एंड सेक्टर। अब ये जो येलो कलर का पूरा जो दिखाया हुआ है दैट इज एन ट्रैक, और जो ब्लू में फिल्ड किया हुआ एरिया है, लाइंस की मैं बात कर रहा हूँ, फील्ड एरिया यहाँ पे जो दिया हुआ है ये वाला दैट इज एन सेक्टर। अब ये यहाँ का जो सेक्टर है सबसे बाहर वाला येलो वाला दैट काउंट्स एन ट्रैक जीरो, इसके अंदर होगा ट्रैक वन, ट्रैक टू, ट्रैक थ्री। अब इतने ही ट्रैक्स नहीं होते हार्ड डिस्क में, लेकिन क्लीन इमेज बनाने के लिए यहाँ पे इतने ही ट्रैक्स बताए हुए हैं। काफ़ी सारे ट्रैक्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ट्रैक्स आते हैं। अब उस ट्रैक को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसे नाम बोला जाता है सेक्टर। अब पर सेक्टर जनरली 512 बाइट्स ही स्टोर होते हैं, मतलब कि ये एरिया सबसे बाहर वाला देखो ये पूरा एक सेक्टर है, तो इसमें भी 512 बाइट्स स्टोर हो गए, और यहाँ भी इतने में ही 512 बाइट्स स्टोर हो गए। तो यहाँ पे कम जगह में उतने बाइट स्टोर होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा जगह में इतने बाइट स्टोर होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हेड जब भी मूव करता है तो उसकी एक फिक्स लोकेशन होनी चाहिए ना, कि भाई इतना सेक्टर यहाँ का है, इतना एरिया यहाँ का है, इतना एरिया यहाँ का है, तो उसको इजी रहे फाइल एलोकेशन टेबल जो जनरेट होता है इंटरनली उसके लिए ये डिज़ाइन किया हुआ है, कि भाई आउटर एरिया है तो उसमें ज़्यादा स्पेस मिलती है तो हम ज़्यादा ट्रैक बना देंगे, तो ऐसा नहीं होगा, उसकी जो काउंटिंग होगी ना वो गलत हो जाएगी। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी आप सीखते होगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें एरे आता है जहाँ पे एरे को जीरो से जनरली स्टार्ट किया जाता है, तो उसकी जो पूरी काउंटिंग होती है ना वो बिगड़ जाएगी। मतलब कि आउटर एरिया है तो यहाँ पे मान लो 15 सेक्टर है, यहाँ पे 14 सेक्टर आए, यहाँ पे 13 सेक्टर आए, यहाँ पे 12 सेक्टर आया, तो उसका पूरा कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा ना, फॉर एंड ईच एंड एवरी डेटा एक्सेस पूरे। तो उसे पहले चेक करना पड़ेगा कि डेटा आपके कौन से ट्रैक पे है, कौन से ट्रैक के बाद वो फिल्टर करना पड़ेगा उसमें कितने सेक्टर आएंगे, और कौन सा सेक्टर में आपको डेटा आपका पर्टिकुलर डेटा स्टोर किया हुआ है, तो पूरी जो कैलकुलेशन है ना वो बिगड़ जाती है। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि कोई भी ट्रैक हो सभी में सेम नंबर्स ऑफ ट्रैक सेक्टर रखो, तो हमें जो हेड मूवमेंट होगा उसका जो कैलकुलेशन टाइम होगा वो बच जाएगा पूरा जो कुछ भी होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट में आगे दिया है क्लस्टर्स। क्लस्टर मतलब कि ग्रुप ऑफ सेक्टर मीन्स अ क्लस्टर। यहाँ पे ग्रीन में जो यहाँ पे इमेज है वो पूरी आप ठीक से देख पाओगे, यहाँ पे 3 सेक्टर है ना, क्रिएटिंग द क्लस्टर। यहाँ पे भी 3 क्लस्टर है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ भी मेरे 3 सेक्टर का पूरा क्लस्टर है। अब येलो में सेक्टर 1 है, यहाँ भी सेक्टर 1 है, और यहाँ भी सेक्टर 1 है, और ब्लू में ट्रैक एक बताया और दूसरा यहाँ पे ब्लू में ट्रैक बताया है। तो यहाँ पे जो क्लस्टर होते हैं दैट कॉल्स एन ग्रुप ऑफ द सेक्टर, सिंपल टर्म्स में अगर आप बात करें। तो जनरली हमारा डेटा जो स्टोर होता है सिंगल क्लस्टर सिंगल सेक्टर में तो स्टोर हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमें जस्ट अभी बात की कि 512 बाइट्स ही 500 बाइट्स ही हमारा पर सेक्टर स्टोर होता है। तो अगर हम 1 MB का भी कोई भी डेटा स्टोर करवाना चाहते हैं तो ग्रुप ऑफ सेक्टर लेगा वो। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे मान लो वो 5 सेक्टर लेगा, तो यहाँ पे मान लो फॉर एग्जाम्पल 5 MB हो गए। अब यहाँ पे दूसरे 5 सेक्टर लेगा, यहाँ पे 5 MB हो गए। अब मान लो यहाँ पे 3 सेक्टर खाली है, लेकिन अब उसे क्या चाहिए, 5 सेक्टर्स चाहिए, तो ये 3 को वो स्किप कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा, और हमारा जो कुछ भी डेटा होगा रिमेनिंग वो 5 सेक्टर का लेके एक नया क्लस्टर बनाएगा। तो उस मुताबिक पूरा जो डेटा है वो स्टोर होता है, या फिर सिलेंडर फॉर्म में वो ट्रैक्स को लेगा। सिलेंडर फॉर्म में मतलब के प्लेट 1 का ट्रैक सेम ट्रैक, प्लेट 2 का सेम ट्रैक, या फिर प्लेट 3 का सेम ट्रैक, है ना। ये पूरा ट्रैक 1, ट्रैक 2 और ट्रैक 3 तीनों में प्लेट्स में सेम नंबर ऑफ ट्रैक, मतलब कि आउटर मोस्ट जो ट्रैक है वो 0 है, बाद में ये ट्रैक 1 आया, ये ट्रैक 2 आया, और ट्रैक 3 आया, और ट्रैक 4 है वो हमारा ग्रीन में मार्कअप किया है, और नीचे के ब्लू में मार्कअप किए हुए हैं। जो एक्चुअली ट्रैक नंबर 4 हमने बोला वो एक्चुअली हुआ ट्रैक नंबर 5। तो सभी का ट्रैक नंबर 5 जब हेड पे पॉइंट होता है, हेड साथ में मूव होता है, यहाँ पे हेड जो भी बताया था
है ना, ये तीन हेड है। तो एक हेड कहीं और लोकेशन पे है, एक हेड कहीं और लोकेशन पे है, तीसरा हेड कहीं और लोकेशन पे है, ऐसा नहीं होता। तीनों हेड सेम आर्म को कनेक्टेड होते हैं, आर्मेचर को, तो वह ऑलवेज साथ में ही मूव करते हैं, आगे पीछे कभी मूव नहीं होगे। तो एक हेड जब भी मूव होगा और जिस भी ट्रैक पर आएगा, तो रिमेनिंग टू जो कुछ भी हेड होंगे हमारे सेम ट्रैक पे ही आएंगे। तो क्लस्टर, हेड, सिलेंडर, सेक्टर और ट्रैक्स, इतनी चीज़ हमने समझ ली। अब यहाँ पे फ्रेगमेंटेड डिस्क एंड डीफ्रेगमेंटेड डिस्क, यहाँ पे और समझाया हुआ है, थियरी वापस रिपीट है, लेकिन इमेजेस मैंने जस्ट चेंज हुए। प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया था कि मान लो कोई भी डेटा है स्टोर करवाना है, तो अब कंटिन्यूस सेक्टर सिक्वेंशियली अवेलेबल नहीं है, तो जहाँ जहाँ सेक्टर्स अवेलेबल हो गए वहाँ वहाँ पूरा डेटा को वो स्टोर कर देगा। लेकिन ये फ्रेगमेंटेड एक एग्जाम्पल हुआ, लेकिन अब क्या होगा, उसका जो एक्सेस टाइम होगा ना वो हाई हो जाएगा। मान लो ये पार्ट वन है ऑफ द डेटा, ये पार्ट टू है, ये पार्ट थ्री है और ये पार्ट फोर है। अब हमारी हेड की लोकेशन ये वाली है, तो यहाँ पे क्लॉक वाइज अब मूवमेंट होता है प्लेट्स का, तो यहाँ का जो सेक्टर है वो रोटेट होके यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे तो हमारा हेड है, तो यहाँ का जो डेटा है वो एक्सेस हो जाएगा। अब क्या है, हेड को मूव होके यहाँ पे आना होगा, यहाँ पे आना होगा, है ना। लेकिन प्लेट तो घूमती ही रहती है, घूमती ही रहती है, घूमती ही रहती है, तो हेड को वेट करना पड़ेगा कि उसकी पोजीशन के नीचे ये पर्टिकुलर सेक्टर आ जाए। तो जब ये सेक्टर आएगा तो यहाँ का डेटा रीड होगा, ठीक है, लेकिन बाद में यहाँ का आएगा, मतलब कि हेड को आगे पीछे होना पड़ेगा फॉर एक्सेसिंग पर्टिकुलर डेटा। इसमें क्या होगा कि प्लेट्स घूमती ही रहती है और हेड को आउटर मोस्ट ट्रैक से इनर मोस्ट ट्रैक पे आने के बाद घूमना नहीं पड़ेगा, आगे पीछे नहीं होना पड़ेगा, उसकी लोकेशन सेम रहेगी। और प्लेट्स जब भी घूमती रहेगी तो उसका जो कुछ भी हेड का डेटा होगा वो रीड कर लेगा, हेड के नीचे जो सेक्टर आएगा उसका डेटा रीड कर लेगा। ये डीप फ्रेगमेंटेशन का ऑप्शन आपको ड्राइव पार्टीशन की प्रॉपर्टीज में मिल जाता है ना, रेगुलरली नहीं करने की ज़रूरत, 3-4 महीनों में या फिर 6 महीनों में एक बार करोगे तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि जनरली हमारा जो डेटा है उतना डिलीट नहीं होता। हम जो कंप्यूटर में जनरली डेटा स्टोर करते हैं उतना ज़्यादा डिलीट नहीं करते, जनरली हमारा टेम्पररी डेटा जो कुछ भी होता है हम डेस्कटॉप पे स्टोर कर लेते हैं, हमारी एक मेंटेलिटी है उसे यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं, और रेगुलर इंटरवल पे भी उसे डीफ्रेगमेंटेड करना ज़रूरी नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो फ्रेगमेंटेशन और डीफ्रेगमेंटेशन इसका एग्जाम्पल मैंने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है। अब यहाँ पे सीक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी टाइम, एक्सेस टाइम और डिस्क एक्सेस टाइम, यहाँ पे फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस टाइम बताया, मतलब कि हार्ड डिस्क में से हमारा जो कुछ भी डेटा है सीपीयू रीड करता है उसका कुछ टाइम लगता है ना, इमीडिएटली तो टाइम हार्ड डिस्क में से तो रीड नहीं हो जाएगा, मतलब कि प्लेट्स घूमती है, हेड घूमता है, तो उसका जो टाइम होता है हर चीज़ का एक डिफरेंट नेम यहाँ पे दिया गया हुआ है। तो यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो है वो मैं प्ले कर देता हूँ, बाद में वो जो हमारा टॉपिक है वो हम थियोरेटिकली देखेंगे। तो यहाँ पे एक पूरा पहला बंदे ने क्या किया, ये सीडी का केस है, ये पहले तो ये समझ लो, ये कुछ हार्ड डिस्क नहीं है, ये हमारा सीडी रखने का जो स्पिंडल आता है ना पुराना, ये स्पिंडल है। अब सीडी पे उसने एक स्टिकर लगाया है और स्टिकर पे उसने मैन्युअली क्या किया, फील्ड डेटा, मतलब कि ये वाला डेटा हमें एक्चुअल में एक्सेस करना है, और ये हमारा ट्रैक है जिसपे हमारा एक्चुअल में डेटा है, ये सेक्टर हुआ, ये ट्रैक हुआ और ये पूरी जो वाइट स्टिकर है हमारी प्लेट हुई। अब ये हमारा पूरा जो आर्म एक्सेस था वो है और सबसे आगे ये हमारा रीड राइट हेड है, ऐसा उसने पूरा पेपर पे डिजाइन करके क्राफ्ट किया हुआ है। अब एक्सेस टाइम क्या है, तो हमारा सिक टाइम और लोटेंसी टाइम जो होता है वो है, सॉरी, ठीक है, अब बंदे ने क्या किया, हार्ड डिस्क पे हमारा जो प्लेट्स था वो रख दिया है और हमें जो एक्चुअली देखना है वो क्या है, अब ये क्या बन रहा है कि जब हार्ड डिस्क स्टार्ट होती है, ठीक है, तो सबसे आउटर मोस्ट ट्रैक पे हमारा हेड होता है, ये बंदा ये बता रहा है, सबसे आउटर मोस्ट ट्रैक पे हमारा हेड होता है, लेकिन हमें जो एक्सेस करना है वो इन ट्रैक से एक्सेस करना है।
उसने क्या किया, अब उसने क्या बताया कि भाई इस डेटा को एक्सेस करने के लिए हेड को मूव होके यहाँ पे आना होगा। तो ये मूव होने का कुछ टाइम लेगा, डायरेक्टली तो नहीं आया, वो माइक्रो सेकंड में या फिर नैनो सेकंड में, जो कुछ भी हो, नैनो सेकंड में ही होता है, लेकिन जो कुछ भी हुआ टाइम तो लगा उसे वहाँ पे आने का। तो उसने वो मूव करके बताया, मतलब कि इस वाले ट्रैक पे मेरा जो डेटा है, अभी हेड के पास तो वो डेटा नहीं आया, हेड के नीचे के एरिया पे वो डेटा नहीं है, तो अभी तो वो रीड नहीं कर पाएगा, लेकिन उस ट्रैक पे वो हेड जो है वो आ गया। सिक टाइम क्या है वो उसने बताया, मतलब कि जो टाइम हेड ने लिया था वो, अभी हमारी प्लेट्स घूमी है ना, कंटिन्यूअसली वो प्लेट्स घूमती रहती है, अब वो हमारा डेटा है हेड के पास आ गया है ना, तो उसने पार्ट ऑफ द डेटा एक्सेस किया, वापिस प्लेट घूमी, वापिस पार्ट ऑफ द डेटा वो रीड करेगा, वापिस प्लेट घूमेगी, वापिस पार्ट ऑफ द डेटा वो रीड करेगा, सेम मोमेंट पे तो वो पूरा रीड नहीं कर पाएगा, जो क्लस्टर होंगे, जो सेक्टर होगा, सिंगल मोमेंट्स पे, तो मतलब कि समझ लो 15,000 RPM, मतलब कि एक प्लेट 15,000 बार 1 मिनट में घूमती है, तो उसकी स्पीड कितनी होगी, है ना। तो दो चीज़ उसने बताई, एक पहला तो उसने सिक टाइम बताया, दूसरा रोटेशनल लेटेंसी बताया, और तीसरा उसने बताया दैट इज एन एक्सेस टाइम। अब सिक टाइम क्या है, द डिस्क इज डिवाइडेड इंटू द मेनी सर्कुलर ट्रैक, सिक टाइम इज डिफाइंड एज अ टाइम रिक्वायर्ड बाय रीड राइट हेड टू मूव फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर, मतलब कि सबसे पहले जो आउटर मोस्ट ट्रैक पे हमारा हेड था, वहां से मूव होके वो ट्रैक जहाँ पे हमारा डेटा है वहां पे आया, तो वो जो टाइम उसने लिया दैट इज एन सिक टाइम। अब रोटेशनल लेटेंसी मतलब क्या क्या, जो रोटेट होता है वो, द डिस्क इज डिवाइडेड इंटू अ मेनी सर्कुलर ट्रैक, दिस ट्रैक आर फर्दर डिवाइडेड इंटू द ब्लॉक एज नोन एज सेक्टर, वो तो अभी हमने देखा, द टाइम रिक्वायर्ड बाय रीड राइट हेड टू रोटेट टू द रिक्वेस्टेड सेक्टर फ्रॉम द करंट पोजिशन इज कॉल्ड रोटेशनल लेटेंसी, मतलब कि अभी जो डेटा था वो एग्जैक्टली हेड के पास तो नहीं था, तो प्लेट्स घूमी, घूमने के बाद जो हमारा सेक्टर था वो हेड के नीचे आया, तो वो कुछ टाइम लेगा है ना, तो वो जो टाइम लेता है उसे बोलते रोटेशनल लेटेंसी टाइम। अब मैं वापिस बोलूँगा यहाँ पे कि जो डेटा होगा सिंगल टाइम पे रीड नहीं होगा, वो कंटिन्यूसली प्लेट तो घूमती ही रहती है, तो जितना डेटा रीड होगा उतना होगा, वापिस प्लेट घूम के वहां पे आएगी तो हेड वहां का रिमेनिंग जो डेटा है वो रीड करेगा। तो ये दोनों जगह का जो टोटल टाइम है मिला के जो बोला जाता है दैट इज एन एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम इज डिफाइंड एज अ सेटअप टाइम बिफोर द एक्चुअल डेटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस, मतलब के उसने जो डेटा रीड किया, सेक्टर घुमा, डेटा रीड किया, ठीक है, तो उसके पहले के बात कर रहे हैं, हेड मूव हुआ और प्लेट्स मूव हुई, ये जो दो टाइम हुए, प्लेट्स जैसे ही मूव हुई डेटा हेड के नीचे आया, डेटा रीड हुआ, लेकिन पहले का क्या हुआ, हेड मूव हुआ, प्लेट मूव हुई, ये दोनों का जो टोटल आता है ना डेट कॉल्ड एन एक्सेस टाइम। अब ट्रैक कौन सा भी हो, सेक्टर कौन सा भी हो, ये हमें नहीं देखना है, हेड मूव अगर एक ट्रैक से नेक्स्ट ट्रैक पे भी होता है, मतलब कि अभी ट्रैक नंबर 3 पे मान लो हेड है और नेक्स्ट डेटा जो उसे एक्सेस करना है वो ट्रैक नंबर 4 पे है, तो उतना ही अगर वो मूव होगा ना, फिर भी वो सिक टाइम में कैलकुलेट करने का है, सिक टाइम में कैलकुलेट करने का रहता है। अब डिस्क एक्सेस टाइम मतलब कि पूरा डिस्क का है ना, इट इज डिफाइंड एज अ टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय कंप्यूटर टू प्रोसेस रीड राइट रिक्वेस्ट एंड रिट्राइव द रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम द डिस्क स्टोरेज, मतलब कि हमने माई कंप्यूटर पे जाके किसी फोल्डर पे डबल क्लिक की तो उसके इंटरनल जितनी भी फाइल्स होगी, उसके जितने सब फोल्डर्स होंगे वो सब हमें स्क्रीन पे दिखाने होंगे, तो हार्ड डिस्क में से वो पूरा रीड करना पड़ेगा ना कि उसके सब फोल्डर्स कितने हैं, उसकी फाइल्स कितनी है, तो पूरा जो टाइम लेता है दैट इज कॉल्ड एन डिस्क एक्सेस टाइम। वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पहला तो एक्सेस टाइम जो अभी जस्ट हमने बात की, एक्सेस टाइम, हार्ड
हड्डीज में से ही रीड हुआ है ना, हेड मूव हुआ, प्लेट्स मूव हुई, हेड ने डेटा रीड कर लिया, हेड मूव हुआ, प्लेट्स रोटेट हुई, हेड ने डेटा रीड कर लिया। अब रीड करने के बाद वो पहले रैम में आएगा, रैम में से प्रोसेसर पे आएगा, प्रोसेसर वो हमारे साउथ ब्रिज या फिर नॉर्थ ब्रिज को सेंड करेगा। वो मदरबोर्ड वाला टॉपिक याद करना, अगर याद नहीं है तो उसे जाके आप पहले देख लो, साउथ ब्रिज एंड नॉर्थ ब्रिज किसके लिए, दैट कंट्रोल्स एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। नॉर्थ ब्रिज है वो मदरबोर्ड के जो नॉर्थ एरिया होता है उसके जितने भी इनपुट आउटपुट कंट्रोल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होगा उसे वो कंट्रोल करेगा विद हेल्प ऑफ प्रोसेसर। और जो साउथ ब्रिज होता है वो हमारे मदरबोर्ड के बॉटम लेवल पे, साउथ लेवल पे जितनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होता है उसे कंट्रोल करेगा। तो प्रोसेसर नॉर्थ ब्रिज को बोलेगा, क्योंकि जनरली हमारे नॉर्थ साइड ही वीजीए का जो पोर्ट आता है वो होता है ऊपर के साइड, नॉर्थ ब्रिज को बोलेगा ये डेटा मॉनिटर पे सेंड करना है, तो वो मॉनिटर के पास डेटा आएगा और स्क्रीन पे हमारे सामने वो डेटा आएगा। टोटल टाइम इज नोन एज अ डेटा ट्रांसफर टाइम। हेड में से बाहर निकल के वो केबल पे आएगा, केबल में से बाहर निकल के वो साउथ ब्रिज में आएगा, क्योंकि हमारी हड्डी साउथ ब्रिज में आती है ना, नीचे के साइड में जनरली हमारे पोर्ट्स होते हैं। साउथ ब्रिज में आके वो प्रोसेसर पे आएगा या फिर रैम पे आएगा, रैम में से वो प्रोसेसर पे जाएगा, प्रोसेसर से वो नॉर्थ ब्रिज पे जाएगा, नॉर्थ ब्रिज पे वो विजीए पोर्ट पे जाएगा, और विजीए पोर्ट पे से हमारे स्क्रीन पे वो डेटा आएगा। ये पूरा जो टाइम होता है डेट कॉल एंड डेटा ट्रांसफर टाइम। अब यहाँ पे यूएसबी फ्लैश ड्राइव का एग्जांपल दिया है, मतलब कि हार्ड डिस्क में से रीड होके हमारा जो डेटा है वो फ्लैश ड्राइव पे आया है ना, दो में से कोई भी हो, लेकिन बात तो वो इतनी हुई ना कि भाई हेड में से केबल पे आया, वहाँ पे साटा पोर्ट पे आया, साटा पोर्ट पे से साउथ ब्रिज पे आया, वहाँ से रैम पे आया, रैम पे से प्रोसेसर पे आया, प्रोसेसर पे से वापस साउथ ब्रिज पे आया है ना, क्योंकि हमारे फ्रंट यूएसबी कहाँ पे होती है, साउथ ब्रिज पे कनेक्टेड होती है, साउथ ब्रिज में से वो वापस बॉटम पे जो यूएसबी कनेक्टेड होता है वहाँ पे आएगा, वहाँ पे जो हमारा सीपीयू पे सबसे आगे फ्रंट यूएसबी पोर्ट होगा वहाँ पे आएगा, और फिर पेन ड्राइव में वो डेटा जो कुछ भी होगा राइट होगा। बस इतना ही है, सीक टाइम, लेटेंसी टाइम, एक्सेस टाइम और डिस्क एक्सेस टाइम। मैंने अपनी तरह से तो चलो ट्राई किया है समझाने का पूरा जो होता है वो, अगर कुछ भी अगर आपको समझ भी नहीं आया तो आप ग्रुप जो वीडियो है उसकी कमेंट में लिखो, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, जो डाउट्स होगा वो कुछ भी। और आज का जो वीडियो है बस इतना ही, यहाँ पे वीडियो को कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम होंगे शिफ्ट टू द अनदर मैग्नेटिक डिवाइस दैट इज एन जिप ड्राइव, वो हम डिस्कस करेंगे है ना। तो आपको और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है विद बेल आइकॉन, और वीडियो को लाइक करना है अगर कॉन्सेप्चुअली ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो।